नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। पहली बड़ी खबर 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग 4 माह से चल रही है। पहले पोस्टर अभियान चलाया गया, उसके बाद ट्विटर अभियान चलाया गया, उसके बाद धरना प्रदर्शन किया गया और प्रशिक्षुओं पर पुलिस के द्वारा लाठी भी बरसाई गई। शासन के निर्देश पर प्रशिक्षुओं को जमीन पर घसीटा गया, जेल में डाला गया, गाड़ियों में भर भर के इको गार्डन छोड़ा गया, तब भी सरकार टस से मस नहीं हुई। सरकार को इस बात का फर्क नहीं है कि 2022 में विधानसभा चुनाव है, सरकार इस बात से डर नहीं रही है। इधर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अचयनित हैं 22,000 पद ऐड करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यह शिक्षा मित्रों का पद था, 1,37,000 पद थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन पदों को भरा जाए, अभी तक ये पद नहीं भर पाए हैं, 22,000 पद रिक्त है, इन 22,000 पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाए। इसके लिए प्रशिक्षु पानी की टंकी पर चढ़ गए। जो अचयनित अभ्यर्थी हैं वे सभी पानी की टंकी पर चढ़ गए। अगर आप 22,000 पद 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐड नहीं करोगे तो हम जान दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। फोर्स लगाई गई उन्हें उतारने के लिए। जो स्थिति थी मैं आपको बता रहा हूँ, आज की स्थिति मैं बता रहा हूँ, कल की यही स्थिति थी। आखिरकार इनके मुद्दे को कब तक सुलझाया जाएगा? क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद ऐड होगा? क्या नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा? सबसे अहम सवाल है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यह केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, यह उत्तराखंड में भी हो रहा है। उत्तराखंड का ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों की जो शिक्षा है, जो आपने मेटल कोर्स किया है, वो बेसिक टीचर कोर्स के आ जाता है। स्कूल बंद है, ये वही विद्यालय है जिनके आप अध्यापक बनेंगे भविष्य में, एक से लेकर कक्षा पाँच में प्राथमिक विद्यालय। अभी स्कूल खुलने के भी कोई आसार नहीं है। सर देखिए, बिल्कुल अभी कोरोना कारण के कारण अभी स्कूल बंद है, लेकिन जिस उत्तराखंड इस छोटे से राज्य में टोटल कितने स्कूल होंगे यहाँ पे, लेकिन 2600 से अधिक पदों पे तो वैकेंसी निकली, यानी इतने पद वहाँ पे इतने शिक्षक है ही नहीं विद्यालयों में। प्लस उसके बाद कुछ रिटायरमेंट हुए हैं, तो ऑनलाइन शिक्षण तो चल रहा है सर। अभी तो जिनको नियुक्ति मिली हुई है वो अध्यापक भी घरों पर बैठे हुए, घर पर बैठे हुए, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण तो चल रहा है। गाँव से, स्कूलों से प्रधानों के लेटर आते हैं शिक्षा निदेशालय में, SMC के लेटर आते हैं शिक्षा निदेशालय में, आप हमें स्कूलों में टीचर भेजो, लेकिन आज तक वहाँ पर टीचर नहीं भेजे जा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं लेटर? क्योंकि वहाँ पे शिक्षक नहीं है। रही दूसरी बात वैकेंसी पूरा भरने की, जिस दिन ये स्कूल खोलेंगे उसी दिन अपॉइंट नहीं होंगे डायरेक्ट स्कूल में, उससे पहले भी भर्ती के बहुत प्रोसेस चलती है, वो प्रोसेस तो पूरी करो पहले। तो मतलब अगर सरकार या सरकार के जो समर्थक हैं वो इस तरह के तर्क दे रहे हैं तो वो तर्क बिल्कुल बेबुनियाद तर्क है। मनीषा यही लगती है कि इनको भर्ती पूरी नहीं करनी है। तो आज आप लोगों का सचिवालय पुलिस का कार्यक्रम है, आसन प्रशासन का अनुमति वगैरह लिया आप लोगों ने? आज तक पूरी सूचनाएं हमें दे दी गई है। क्या कारण है कि आज आप लोग सब युवा शिक्षा सब नजर कर रहे हैं? आइए आप आगे आइए, विरोध करने का कोई ना कोई तरीके होते हैं। आज ही आप समझ लीजिए, आज आप साथ दिखाए हुए हैं, स्थिति दिखाना चाहते हैं सरकार को कि आपने हमें ट्रेनिंग कराई, 2 साल से हम घर बैठे हैं यार। कोरोना को कभी कोरोना का बहाना देते हैं, कभी कहते हैं कोर्ट में मामला है। अरे कोर्ट में मामला है तो आप ही तो उसके टैली करेंगे ना, आप ही करेंगे ना। स्कूल खुल रहे हैं सर, टाइम भी टीचर सारे स्कूल जा रहे हैं। 16 तारीख से कहा जा रहा है कि बच्चे भी जाएंगे 1 से 5 तक। और यहाँ बात है हमारा कोर्ट का मैटर, अगर आप कोर्ट का मैटर जल्दी सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें PIA लगे हैं, उन्हें सुनना है, आगे कितनी डेट मिलेंगी। अभी से आप ऐसा नहीं कह सकते, हम कौन सा ये कह रहे हैं कि हमें अभी 5 दिन बाद ही हमें नियुक्ति दे दो, कॉल लेटर दे दो। हम चाहते हैं कोर्ट का जो मैटर है वो सरकार सॉल्व करे, हमारे साथ न्याय करे, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। 5 मिनट लेट स्टार्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं आप युवाओं में हताशा निराशा, युवा टूट चुका है, निराश हो चुका है। हमें
आज का वीडियो है, जो जानकारी मुझे मिलती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए परेशान हैं और शासन के द्वारा कहा जा रहा है कि मामला कोर्ट में है, शासन के द्वारा पैरवी नहीं की जा रही है। जो हाल उत्तराखंड में है वही हाल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है और उत्तराखंड में भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। वहाँ पर दो मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश में अभी एक ही मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रशिक्षुओं के विषय में नहीं सोच रहे हैं, उन्हें अपनी राजनीति दिखाई दे रही है, उन्हें 2022 का चुनाव दिखाई दे रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रशिक्षुओं की संख्या 10 लाख से अधिक है। 10 लाख मल्टीप्लाई 5 कर दिया जाए तो कम से कम 50 लाख वोट प्रशिक्षु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी पार्टी को नहीं देंगे अगर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। ये तो 50 लाख है, अगर कहीं नाते रिश्तेदार में भी सोर्स लगा दिया गया तो 1 करोड़ वोट कट जाएंगे और सत्ता धड़ाम से 2022 में बीजेपी की गिर जाएगी। तो बीजेपी सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में सोचना चाहिए। जब पद खाली हैं तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो रहा है, इस बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्पष्ट करें, क्योंकि बीजेपी का काम है कि आउटसोर्सिंग पर भर्ती करना, संविदा पर भर्ती करना, कम पैसे में ज़्यादा काम लेना। भविष्य में हो सकता है कि प्राइमरी स्कूल भी संविदा पर हो जाए, हो सकता है, क्योंकि मैं मनसा के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। हो सकता है कि भविष्य में प्राइमरी स्कूल भी आउटसोर्सिंग पर हो जाए, मतलब कि आउटसोर्सिंग पर शिक्षक को रखा जाए 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये में पढ़ाने के लिए, आपको 40 हज़ार ना देना पड़े। तो अभी समय है, कुछ भी करके नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती ले लीजिए। 2022 में क्या होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, 2022 का चुनाव अहम है, आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है। अगली खबर यूपी TGT एग्ज़ाम 2021 को लेकर है। यूपी TGT एग्ज़ाम 2021 का आयोजन 7 एवं 8 अगस्त 2021 को प्रदेश के 75 जिलों में कराया गया। परीक्षा में धांधली के आरोप लगे हैं। परीक्षार्थियों ने कहा है कि परीक्षा का सेंटर इसलिए 75 जिलों में बनाया गया जिससे धांधली कराई जा सके और जमकर भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। अगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया तो मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट अंतिम निर्णय करेगा। तो क्या वास्तव में TGT एग्ज़ाम 2021 में जमकर धांधली हुई है? क्या TGT एग्ज़ाम 2021 को रद्द किया जाना चाहिए? क्या TGT का कटाप ज़्यादा जा सकता है? और मैं आप सभी को एक बात की जानकारी और देना चाहता हूँ कि TGT एग्ज़ाम 2021 हिंदी विषय का कटाप इस चैनल पर अपलोड किया गया है आज ही। आप उस कटाप को देखिए, अगर आपके उतने नंबर बनते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका चयन होगा, अगर पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया होगा। अगर पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया होगा तो आपका चयन उस कटाप के माध्यम से नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी सी ईमानदारी हुई होगी तो जो मैं आपको कटाप बताया हूँ उससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है। आप मानकर चलिए कि आप ऑफिशियल कटाप देख रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर इधर उधर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप लोग उस कटाप को ज़रूर देखिएगा, साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या यूपी TGT एग्ज़ाम 2021 जिसका आयोजन 7 एवं 8 अगस्त 2021 को किया गया इसमें जमकर धांधली हुई है? क्योंकि हमने समाचार पत्रों का अध्ययन किया है, हमने भी बात की है परीक्षार्थियों से, हमने भी स्कूल से जानकारी ली है। जो जानकारी मिली है कि सालभर गैंग पकड़े गए हैं, अब कुछ सालभर गैंग पकड़े गए हैं, हो सकता है कुछ सालभर गैंग ना पकड़े गए हों, हो सकता है कहीं पर पेपर लीक हुआ हो सकता है कहीं पर पेपर ना लीक हुआ हो। लेकिन हाँ, इतना माना जा सकता है अगर सालभर गैंग पकड़े गए हैं, आधुनिक तरीके से नकल कराने का प्रयास किया गया है और पेपर का बंडल खुला मिला है, ऐसा परीक्षार्थियों का आरोप था, तो हो सकता है कि भर्ती परीक्षा में नकल कराया गया हो, पेपर आउट हुआ हो, ऐसा आरोप परीक्षार्थियों के द्वारा लगाया जा रहा है। तो क्या भर्ती परीक्षा का जो आयोजन 7 एवं 8 अगस्त को किया गया था उसे रद्द किया जाना चाहिए, नई तिथि घोषित की जानी चाहिए भर्ती परीक्षा के लिए, या इसी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली खबर UPPCL TGT एग्ज़ाम रिजल्ट को लेकर है। UPPCL TGT एग्ज़ाम रिजल्ट कब तक आएगा इसके संबंध में कई अभ्यर्थियों ने जानकारी मांगी है जो इस परीक्षा में प्रतिभाग किए हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। उपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि परिणाम को जल्द से जल्द जारी किया जाए और जो 4100 कुछ पद खाली हैं उसका विज्ञापन जारी किया जाए।
और प्रबल संभावना है कि नई भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर नवंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। समीक्षा अधिकारी के भी पद आ सकते हैं, टेक्नीशियन के भी पद आ सकते हैं, इत्यादि पद आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ टी जी टू एग्ज़ाम के रिजल्ट की जहाँ तक बात है तो इसके संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ इतना मैं आपको बता सकता हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा और उपभोक्ता परिषद ने जो मांग की है उस मांग को सरकार के द्वारा मान लिया गया, क्योंकि आश्वासन दिया गया है, तो आपका परिणाम अक्टूबर माह तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अक्टूबर माह तक आपको इंतजार करना है। अगली खबर यूपी ट्रिपल एससी की पीजीटी एग्जाम 2021 को लेकर है, जो कि 24 अगस्त 2021 को प्रस्तावित है। परीक्षा दो पालियों में कंडक्ट कराई जाएगी। प्रदेश के 75 जिलों में सेंटर बनाया गया है। इस परीक्षा में 20,73,540 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। परीक्षा पर संकट इसलिए है क्योंकि आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई, बहस हुआ, लेकिन जज साहब ने कोई आदेश नहीं दिया। जज साहब ने 18 अगस्त 2021 की डेट निर्धारित की है, उसी दिन अंतिम फैसला सुनाया जाएगा, जो जानकारी मिली है, क्योंकि कोर्ट में इस बात को रखा गया है कि 24 अगस्त 2021 को परीक्षा है। अगर 24 अगस्त 2021 के पहले आदेश नहीं आएगा तो इस आदेश का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो जज साहब ने कहा है कि 24 अगस्त 2021 को परीक्षा है, 18 को नहीं है, तो 18 को इसके संबंध में कुछ ना कुछ निर्णय ले लिया जाएगा। साथ साथ अभ्यर्थियों के द्वारा PIL भी दाखिल किया गया है, जिससे परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त 2021 को ना हो। अब देखना होगा क्या होता है, क्योंकि 18 अगस्त 2021 का दिन बहुत ही अहम है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिस दिन परीक्षा का आयोजन होना है उस दिन 6 परीक्षाएं टकरा रही हैं। इग्नू की परीक्षा, लखनऊ यूनिवर्सिटी की परीक्षा, दिल्ली ग्रुप डी की परीक्षा, SSC CGL की परीक्षा, एग्रीकल्चर की परीक्षा, पॉलिटेक्निक की परीक्षा, इत्यादि परीक्षाएँ टकरा रही हैं। तो इसी के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को निर्णय लेना था, लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जल्दबाजी में निर्णय लिया है। पहले जल्दबाजी में 19 अगस्त को परीक्षा की तिथि निर्धारित किया गया था, उसके बाद 20 अगस्त को निर्धारित किया गया, अब 24 अगस्त को निर्धारित किया गया है। अब 18 अगस्त 2021 का आपको वेट करना है। साथ साथ मैं आपको बता दूँ, यूपी ट्रिपल एससी का मन था कि 16 या 17 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया जाए, जिससे आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएँ, लेकिन आपको हो सकता है कि 18 तक वेट करना पड़े। हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है, हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एससी आदेश का इंतजार करें, जो भी आदेश होगा वही सर्वमान्य होगा। तो आप लोगों को 16 तक वेट करना, 16 तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, नहीं आता तो 18 को शाम को आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। सीटेट नोटिफिकेशन 2021 को लेकर है। सीटेट नोटिफिकेशन 2021 के संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। आपको बताया गया था कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। इस चैनल के माध्यम से कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले आपको दी जाती है। जो कल मेरे द्वारा आपको बताया गया था, आज कई न्यूज़ वेबसाइट पर वही खबर आपको देखने को मिल रही होगी, कई चैनलों के माध्यम से आपको बताया जा रहा होगा। कल का वीडियो देख लीजिए, परसों का वीडियो देख लीजिए, आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि इस चैनल के माध्यम से कितना ऑथेंटिक जानकारी आपको दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, वहीं सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चलेगी। इसके अलावा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षा के लिए करेक्शन विंडो खोल दी जाएगी। इसके बाद फिर दिसंबर या जनवरी में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि CBSE के द्वारा अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कल मेरे द्वारा जो बताया गया था वह सभी मीडिया रिपोर्ट्स को जानकारी मिल गई, यानी कि जो मीडिया वेबसाइट हैं और जो मीडिया चैनल उन्हें भी जानकारी मिल गई है, क्योंकि सबसे पहले मेरे द्वारा ही इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी। यह आज की न्यूज़ है और कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी, परसों मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी कि 10 अगस्त 2021 तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन अगस्त के दूसरे पखवाड़े में आएगा, यानी कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक। और जो बताया गया वही आज कई न्यूज़ वेबसाइट पर आपको देखने को मिल रहा है। चूँकि अभी तक भर्ती बोर्ड की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन परीक्षा के संबंध में जो जानकारी मिली है कि परीक्षा दिसंबर में ना होकर जनवरी 2022 के प्रथम पखवाड़े में कंडक्ट कराई जाएगी। तो आपको जमकर तैयारी करना है। नोटिफिकेशन अगस्त के दूसरे पखवाड़े में कंफर्म आ जाएगा अंतिम तक, और आवेदन प्रक्रिया संभावना है कि 2-3 सितंबर तक शुरू हो जाएगा। कम से कम 25 दिन आवेदन प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद आपको करेक्शन का समय दिया जाएगा, उसके बाद आपको परीक्षा तिथि के संबंध में जानकारी दे दी जाएगी। हो सकता है कि नोटिफिकेशन के समय ही आपको परीक्षा तिथि के संबंध में जानकारी दे दी जाए। तो जमकर तैयारी करें, इससे आपको सफलता मिल सके। इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।